7 मार्च को शाह फैसल कॉलोनी में एक रॉबरी की अटैम्प्ट के दौरान एक 18 साल बच्चे की डेथ हुई थी, और जब उसको हमने ट्रेस किया तो 15 किलोमीटर तक हमने सीसीटीवी कैमरास की सर्वेलेंस की। उस सीसीटीवी कैमरा में जो सबसे अहम बात थी कि जो मुजरिम था, जब मज़ाहमत हुई तो अपने कपड़े, जो उसकी टोपी थी, इस तरह जैकेट थी, वहाँ पे छोड़ गया था। सीसीटीवी पे हमने सिर्फ वो फुटेज देखी जिनमें ये चीज़ें पहनी हुई थी लोगों की। इस तरह से 15 किलोमीटर तक सर्वेलेंस हुई तो एक जगह पे इसकी सीसीटीवी फुटेज में तस्वीर आ गई। उसी को ट्रेस करते हुए हम मुजरिम तक पहुँचे। उस वक्त वहाँ की पुलिस ने 18 घंटों के अंदर इस मुजरिम को ट्रेस कर दिया था। शाह रुकन आलम पुलिस के SHO साहब, इसी तरह ASP साहबा और इनके मुतलका SP की ये मेहनत की वजह से ट्रेस हुआ है। जैसे मैंने आपसे बात की, कोई भी वकूगा हो उसमें जुर्म अपना निशान जो है छोड़ता है। अगर पुलिस की टीम प्रोफेशनल है तो उन्हीं निशानात को ट्रेस करते हुए मुजरिम को जुर्म के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। जिन पुलिस अफसरों ने इस वारदात को ट्रेस करने में मेहनत की है उनको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने भी अप्रिशिएट किया है। CC2 जो होते हैं वो देंगे, उनको इनामात देंगे। इसी तरह जो गजटेड ऑफिसर्स हैं उनको अप्रिशिएशन लेटर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं। ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है। अमूमन ऐसे होता है कि डकैती विद मर्डर के जो मुजरमान हैं वो पकड़े नहीं जाते। इस शहर में जब से चार्ज संभाला है कोई 7 ऐसे केसेस हैं जो डकैती विद मर्डर के थे और जिसमें तमाम डिवीजन के केसेस थे। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की मेहनत की वजह से वो सारे के सारे ट्रेस हो गए हैं। जब डकैती विद मर्डर का केस ट्रेस होता है, उसको इंटरोगेट करते हैं, तो उसने बहुत सारे जो है इंसिडेंट किए होते हैं। इन मुजमान से भी 12 से 13 वारदातें जो हैं वो ट्रेस हुई हैं, उनमें भी हम इनको चलान करेंगे। शुक्रिया। मैंने आपके साथ फिगर शेयर किए, 7 ब्लाइंड मर्डर्स थे। 7 के 7 अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रेस किए हैं और वक्तन फवक्तन आपके साथ उसकी डिटेल भी शेयर करते रहते हैं। 2 जो ब्लाइंड मर्डर्स हैं उनके मुजमान पे भी हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगली बैठक में उनके बारे में भी आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। आपके इल्म में आगे गैर कानूनी असला जो है उसकी भरमार है हमारे यहाँ। बहुत सारा गैर कानूनी असला हम पकड़ते भी हैं, तो एक्सेस तो है मुजमा की गैर कानूनी असला, वही इसकी वजह बनते हैं। सर, कुछ गुज़िश्ता दिनों पहले IG साहब की तरफ से एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें पुलिस मुलाजमों मुंशियातोशों से सहूलतकारी के इल्ज़ाम आए हुए हैं और मुअत्तल हो गए। अभी भी काफ़ी ऐसे पुलिस मुलाजिम हैं जो नीचे तबके के हैं, उनके जो पोश हैं उनके नाम अंदर यहाँ पे नहीं। क्या इसके हवाले से भी आपने कोई टीम तश्कील दी है या इसमें देर बहुत कम है? जैसे एक SHO था हमारा, उसके बारे में खबर आई कि उसने मंशिया जो है 17 किलो जो है पकड़ी है, थोड़ी मंशिया का मुकदमा दिया और पैसे लिए, उसको मुअत्तल किया और उसके साथ ही पुलिस मुलाजमीन को मुअत्तल किया है। इंक्वायरी में इंशाल्लाह सख्त एक्शन लेंगे। जो इंस्पेक्टर जनरल की तरफ से लिस्ट जारी हुई उसमें 9 मुलाजमान हैं पुलिस के मुल्तान के, उनको सस्पेंड किया है, चार्जशीट किया है। इंशाल्लाह इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। किसी भी महकमे में क्रिमिनल की कोई गुंजाइश नहीं है और पुलिस के महकमे में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने तो क्रिमिनल के साथ लड़ना है। अगर हमारा अपना ही कोई स्टाफ कंप्रोमाइज हो गया है तो सक्सेस नहीं हो सकती है। जिस SHO का आप बता रहे हैं सर के पैसे लेके उसने कम मंशात का पर्चा दिया, वो 3 लाख के लिए थे, वो खातून आज तक दरखास्त लेके फिर रही एंटी करप्शन, उसने यहाँ CP ऑफिस भी मेरे ख्याल से कल या परसों आई थी, उसकी नहीं सुनवाई सर, उस पर भी मैंने बताया कि हमने सस्पेंड किया है, चार्जशीट किया है, महकमाना एक्शन जो है इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक आपको खबर मिल जाएगी उसकी। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। रोजे के साथ आप